ओके ना, तो आज से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस पे ये सब लोग अच्छे से समझिएगा। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर डायमेंशंस। ठीक है, चलो, देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव। हमारे पास टोटल बेटा सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है? सब लोग अच्छे से समझिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं पहले बॉक्स बना देता हूँ और फिर आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, उसमें सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है? सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द क्वांटिटी। उसके बाद आएगा यूनिट और उसके बाद आएगा सिंबल। चलो ठीक है, सब लोग याद रखना बच्चों, नेम ऑफ द क्वांटिटी, उसके बाद यूनिट और उसके बाद सिंबल। नाउ तो सपोज करो बेटा, सबसे पहली जो हमारी क्वांटिटी है वो है, ठीक है, आप सबको पता है, फर्स्ट क्वांटिटी है, दैट इज लेंथ। चले तो लेंथ जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। दूसरा मास, मास होता है उसका यूनिट होता है किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है केजी। तीसरा है टाइम, टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है सेकंड, उसका यूनिट और सिंबल है एस। फिर चौथा होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के से। फिर सिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, उसका यूनिट होता है MOLE मोल और सिंबल होता है MOL। सेवन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका एंगुलर और रिप्रेजेंटेशन होता है CD से। तो ये सारी चीजें बच्चों आप याद रखना, ठीक है? ये सारी आपकी बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको याद रखना आप लोग। चलो ठीक है।
बंद नहीं करवाने लिया। खबर से तो है रोज भूल ही जाएगा। ओके okay। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। नाउ अगर मैं बात करूं तो जो लेंथ है बेटा, ठीक है, अगर मैं बात करूं मास होता है उसको कैपिटल एम, लेंथ होता है उसको कैपिटल एल, टाइम होता है उसको कैपिटल टी, फिर टेम्परेचर होता है उसको कैपिटल के, और करंट होता है उसको कैपिटल ए। बाकी की दो जो क्वांटिटीज है बेटा उसका यूज आपको डाइमेंशनल फॉर्मूला के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, इस वजह से मैंने उन दोनों को सिर्फ दो डॉट से लिखा हुआ है सही पर उसका यूज नहीं होता है। तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी को एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको डाइमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। बोलो, बात आई समझ में एवरीबॉडी? ठीक यस सर। है, मैं लिखता हूं, द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड एज एम एल टी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए पहले मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सिखा दूं आपको। सब लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम बाकी के डिस्कशन करेंगे। चलिए एवरीबॉडी 2 मिनट। ओके जैसे कि वेलोसिटी है, समझो जैसे कि वेलोसिटी है बेटा या स्पीड है, तो आप सब जानते हैं बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से, यस और नो? यस सर। है ना। यस ओके नाउ चलो, तो स्पीड को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से, हाँ या ना? चलो तो ये उसका फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, प्लीज इसको समझना, ये आपका फॉर्मूला है डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, ये जो डी है वो मीटर में मेजर होगा और टी है वो सेकेंड में मेजर होगा, बोलो हाँ या ना? डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इज मेजर इन मीटर क्योंकि डिस्टेंस यानी लेंथ होता है। देखो यहाँ पर डिस्टेंस मतलब कि लेंथ, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में यानी कि उसका सिंबल एम, और टाइम जो होता है टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड में जिसका फॉर्मूला मतलब सिंबल होता है एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वेलोसिटी है मतलब स्पीड है उसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। चले तो अभी ना ये चीज याद रखिएगा, जब भी मुझे किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखने का, जब भी मुझे किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखने का, ठीक है, मीटर है। नाउ मैंने आपको क्या बोला था बेटा, मीटर, मीटर क्या होता है, मीटर होता है
उसका क्वांटिटी लेंथ, तो लेंथ का जो है उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, तो मीटर यानी कैपिटल एल कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पावर वन। नीचे है सेकेंड, सेकेंड यानी टाइम। टाइम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है देखो, तो टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से, तो इसका मतलब अपॉन टी पावर वन। तो वेलोसिटी का आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल वन टी माइनस वन। बोलो, बात आई समझ में भाई सबको? क्या यस सर, नहीं समझ आया? प्लीज पक्का बताना बेटा। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। से यस और नो? है ना? ओके चलो, तो एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन हो गया। अच्छा तो अगर मुझे मास की बात करना है एम, ठीक है, तो ये मास हो गया एक्स ए, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। ओके चलिए, तो अगर मैं एफ को डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, तो एम है मास तो उसका पावर वन, एक्सेलरेशन है। अच्छा एक्सेलरेशन बाकी रह गया, एक्सेलरेशन सिखाऊंगा तो ये पता चलेगा। चलो ठीक है, एक्सेलरेशन बाजू में लिखता हूँ मैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, वेलोसिटी बाय टाइम। चलो ओके, तो एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ए से, वेलोसिटी वी और टाइम टी। अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड ये रहा, और टाइम का सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, तो मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ का पावर वन, और नीचे सेकेंड मतलब टाइम, तो टाइम का पावर टू। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल वन टी माइनस टू। अच्छा ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो मेरा जो फोर्स है उसका फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू। बोलो समझ में आया बेटा सबको? यस सर, पक्का कि यस, अभी और दो तीन एग्जाम्पल नहीं लेके समझाऊं? सर, आ गया। चलो एक और, ओके यस मुझे एक और एग्जाम्पल लेना है। चलो वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। हाँ तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए डी मेड हो गया। बोलो आई बात समझ में? ठीक है चले। नाउ अभी मैं डब्ल्यू को अगर सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो डब्ल्यू ओके मास, जो मास है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का एल वन टी माइनस टू, और डी, डी डिस्टेंस है तो उसका एल वन। तो ये हो जाएगा आपके पास एम वन एल वन प्लस वन यानी एल टू, और ये हो जाएगा टी माइनस टू। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपके पास एम वन एल टू टी माइनस टू। बोलो सब लोगों को क्लियर हुआ बच्चों? यस पक्का? सर, यस यस यस, डैम श्योर। तो इस तरह से आप हाँ लोग, कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो अगर किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला।
फिर से एक बार मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला बेटा, अगर किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको बोला जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा मुझे बताओ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव? सेवन सेवन सेवन, राइट सेवन राइट, सेवन। कौन कौन सी है सबको पता है ना ठीक बेटा? है। जय सर। बोलो सर बोलो। अरे एक छोकरी अंदर आवसे ने एडमिट आप जो नंती नहीं करी ने। હા એની પાસે સ્ક્રીન ને એવું બધું છે જ, વાંધો નહીં, ભલે આવશે તો હું એડ આપી દઈશ। ન્યુ હા સ્ટુડન્ટ છે? ઓકે ન્યુ સ્ટુડન્ટ છે નયન સર? હા 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 સર હમણાં આવશે, મેં ફોન કર્યો એને। એ સારું સારું, વાંધો નહીં। हाँ आई गई हूँ नयन सर। ओके ओके चले ठीक है, तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आई होप सबको डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बारे में समझ आ गया होगा अच्छे से। सर। ओके नाउ, अच्छा अभी बच्चों समझना, इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। ऐसे ही हमने डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं सीखने हैं, ठीक है, उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन नंबर वन, टू डिराइव मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम। अच्छा ये चीज सबको समझ में थोड़ी लेट आएगी, मैं ये जो बोलना चाहता हूँ ना ये थोड़ी समझ में लेट आएगी। मैंने क्या लिखा बेटा, टू डिराइव मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम। अच्छा आप सबको पता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम होता है। सबसे पहले है सीजीएस, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, फिर ग्राम, फिर ग्राम और फिर सेकेंड, फिर दूसरा है उसमें एमकेएस। एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। उसके बाद थर्ड है एफपीएस। एफपीएस का मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल तौर पर जो ट्रेड के लिए यूज होता है ऐसे सिस्टम को एसआई बोलते हैं। नंदिनी बेटा आप अपनी स्क्रीन ऑन कर दीजिए, ठीक है। फिर से एक बार, मैंने क्या बोला बेटा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होती है। पहली है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, मतलब जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाए उसको सीजीएस बोलते हैं। फिर दूसरी होती है एमकेएस, मतलब जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाए उसको बोलते हैं एमकेएस। उसके बाद एफपीएस, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, जो लंदन
यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, वो लोग एफपीएस में डिस्कशन करते हैं, तो जहां पर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए उसको बोलते हैं एफपीएस। और उसके बाद जब सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए एसआई सिस्टम का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, यस सर, पक्का बेटा? यस ये चीजें हम, ये पहले की चीजें हैं, मतलब जो आपका टॉपिक यस शुरू, हाँ टॉपिक शुरू होता है ना चैप्टर टू, तब पहले की ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले नहीं ये करवाया था इसलिए अभी बता दिया, और इसके ऊपर हमारी डिस्कशन बाकी रहेगी, पर ये अभी सिखा रहा हूँ आपको, ये चीजें याद रखना। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? नाउ अभी जैसे कि सपोज करो, आप सबको पता है, एक मैं चीज लिख रहा हूं यहाँ पर, 1 जूल इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक जी अर्ग, पता है ना जूल और अर्ग दो क्या होता है? एवरीबॉडी, आप सबको पता है बेटा जूल और अर्ग के बारे में? एवरीवन प्लीज बताओ मुझे, सब लोग पता है आपको जूल और अर्ग के बारे में? नो ये सर ठीक है, ये जो जूल है और अर्ग है, दोनों एनर्जी, ठीक है, दोनों के दोनों एनर्जी के यूनिट है। अच्छा, जूल है वो एमकेएस यूनिट है और अर्ग है वो सीजीएस यूनिट है, ठीक है। जूल है वो एमकेएस यूनिट है और अर्ग है वो सीजीएस यूनिट है। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये दो अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम हो गए, तो दो मेजरमेंट सिस्टम के बीच का रिलेशन प्रूव करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज होता है, ठीक है। चलो जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, हमारा अर्ग, ओके। तो ये 10^7 आपको प्रूव करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जूल और अर्ग है, ये दो दिए होंगे, और ये जो 10^7 है आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वांटिटी कौन सी है आपको लिखना पड़ेगा, तो क्वांटिटी वर्क है, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा m1 l2 t-2, पहले ये दिमाग में बिठा लो, मैं जो पहले आपको बताता हूँ वो दिमाग में बिठा लो। ये अर्ग और जूल है बेटा, वो किसकी क्वांटिटी है? तो अर्ग और जूल है वो वर्क डन मेजर करने के लिए यूज होता है, या एनर्जी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2। चले ठीक है। नाउ अभी मैं यहाँ पर LHS लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर RHS राइट हैंड साइड रखूंगा। अच्छा LHS में, ठीक है, LHS में ये आपका MKS सिस्टम है और ये आपका CGS सिस्टम है, ठीक है। चले ना अभी मैं क्या करूंगा बेटा, तो याद रखना, N1 M1 L1 T1 N2 M2 L2 T2, ठीक है। ये जो M1 L1 T1 है, ये जो M1 L1 T1 है उसको ओल्ड सिस्टम बोलते हैं, और M2 L2 T2 है उसको न्यू सिस्टम बोलते हैं। ओके, जैसे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग है, इसमें जूल है वो ओल्ड सिस्टम है और अर्ग है वो न्यू सिस्टम है, मतलब हमें जूल से अर्ग में जाना है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमें जूल से अर्ग में जाना है, तो जूल से अर्ग में जाना है तो ओल्ड टू न्यू जाना है, तो इसका मतलब हम MKS टू CGS कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको N1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है उसको N1 इज इक्वल टू 1 बोलते हैं, इसको 1 ओके बोलते हैं, ठीक है। और आपको N2 फाइंड करना है,
ये मैंने अभी समझाने के लिए रखा, ये 10^7 दिया नहीं होगा बच्चों, ये आपको दिया नहीं होगा, ये मैंने समझाने के लिए रखा, तो मुझे N2 फाइंड करना है। बोलो, क्लियर एवरीबॉडी? भाई साहब इतना यस सारा सर, पूछू उसका आंसर तो देते नहीं हो। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होगा बच्चों, क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होगा, 1 जूल इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक अर्ग, यानी जूल आपका ओल्ड सिस्टम है, अर्ग आपका न्यू सिस्टम है, और ये जो फिल इन द ब्लैंक है वो फाइंड करना है। जो दिया हुआ है उसको N1 रखो, जो नहीं दिया हुआ उसको N2 रखो। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ से N2 को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा बच्चों N1 अपॉन M1 अपॉन M2। M के नीचे M रखा मैंने, L1 अपॉन L2, L के नीचे L रखा मैंने, और T1 अपॉन T2, T के नीचे T रखा मैंने। बात सही समझ में? N2 को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो M नीचे जाएगा, L भी नीचे जाएगा और T भी नीचे जाएगा। तो M के अंदर M, L के अंदर L और T के अंदर T। अच्छा, M का पावर कितना है आप यहाँ पर देखो तो बच्चों, M का पावर है 1, L का पावर है 2 और T का पावर है -2। ठीक है, N1 का वैल्यू 1 रखो, M1 कौन से सिस्टम है, ओल्ड के न्यू? ओल्ड ओल्ड सिस्टम है, तो ओल्ड सिस्टम MKS था कि CGS था? एमके MKS में मास को कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है? मीटर मास 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 किलोग्राम किलो, किलोग्राम किलोग्राम वेरी गुड। तो इसका मतलब ऊपर होगा केजी और नीचे M2, मतलब न्यू सिस्टम है बेटा। न्यू सिस्टम में मास को ग्राम में मेजर किया जाता है। चलो पावर 1। अच्छा L1 मतलब ओल्ड सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम मतलब MKS, तो MKS सिस्टम में L मतलब लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या था? मीटर मीटर ओके वेरी गुड। और नीचे L2 न्यू सिस्टम, तो न्यू सिस्टम के अंदर लेंथ क्या था? सेंटीमीटर है बेटा, पावर 2। चले, ओल्ड सिस्टम में टाइम सेकेंड, न्यू सिस्टम में भी टाइम सेकेंड, ओके पावर -2। ठीक है चलो बेटा ये। अच्छा अभी आप देखो यहाँ पर ऊपर किलोग्राम नीचे ग्राम, ऊपर मीटर नीचे सेंटीमीटर, ये सूट नहीं हो रहा है। इस वजह से आपको या तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट जो सूटेबल थिंग है वो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg दैट इज 10^3 ग्राम, बोलो हाँ या ना? पावर 1। 1 मीटर यस दैट इज 10^2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 2। अच्छा सेकेंड सेकेंड कैंसल हो गया, तो इसका मतलब 10^0 -2। ओके चलो, ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो 1 10^3 पावर 1, 10^2 पावर 2, 10^0 पावर -2। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा 1 10^3 10^2 2 स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 तो ये हो जाएगा 10^4, और 10^0 है, 0 × -2, मतलब 0 के साथ आप किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो 10^0 होगा। चले अभी बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा बेटा, तो 3 + 4 + 0, क्योंकि ये भी है, तो ये हो जाएगा बच्चों 10^7। बोलो आ गया वैल्यू 10^7? यस ठीक है, अभी भी आपके डाउट है, वापिस से दूसरा एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा एक लेके समझाता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बताना मुझे। नाउ अभी क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से पूछा गया है, इसमें 1 न्यूटन इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक डाइन, ये न्यूटन और डाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा,
लोअर स्टैंडर्ड में बेटा। न्यूटन और डाइन जो होता है वो फोर्स का यूनिट है बेटा। न्यूटन और डाइन जो है वो फोर्स के यूनिट है। न्यूटन एमकेएस सिस्टम का और डाइन सीजीएस सिस्टम का, ठीक है। चलो तो इसका मतलब मुझे कौन सी क्वांटिटी दी गई है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2। देखो हालांकि इसका यूज पहले नहीं है बट ये जरूरी है, इसका यूज पहले नहीं है पर ये जरूरी है, तो इस तरह से आप लिख दो। बोलो ये समझ में आया? Yes, ओके okay. चले तो नाउ n1 की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों आपको? n1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? वन 1। n2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको बेटा? फाइंड करना है, वेरी गुड। ठीक है अच्छा, ओल्ड सिस्टम कौन सा है? एमकेएस। ठीक वेरी गुड। न्यू सिस्टम कौन सा है? टीजीएस। सीजीएस। चलो बहुत सही। अच्छा अभी मेरी बात समझना। फिर हमने क्या किया था? n1 (m1, l1, t1) इक्वल टू n2 (m2, l2, t2). बोलो हाँ या ना? ओके यस सर। नाउ इसके बाद हमने स्टेप क्या किया था बच्चों? तो इसके बाद हमने n2 को सब्जेक्ट बनाया था। n2 इज इक्वल टू n1। अच्छा कृष्णा बातें नहीं करो, यहां पर ध्यान रखो। तो n2 इज इक्वल टू n1, n1 को मैंने सब्जेक्ट बनाया, m1 / m2 पावर। अच्छा l1 / l2 nt1 / d2। ये समझ आ रहा है मैंने क्या किया, मैंने क्यों कर रहा हूँ, ये समझ आ रहा है सबको? देखो अगर मैं n2 को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये जो m है वो मल्टीप्लीकेशन में है, सामने डिवीजन में जाएगा। l है मल्टीप्लीकेशन में है, सामने डिवीजन में जाएगा। t है मल्टीप्लीकेशन में है, सामने डिवीजन में जाएगा। ओके अभी m का पावर कितना है बच्चों, चेक करके बताओ तो। वन एल का पावर कितना है वन और टी का पावर कितना है? टू। -2 -2। बहुत सही। चलो ठीक है अभी n1 की वैल्यू क्या है? वन 1। ठीक है चलो बच्चों नाउ m1, m1 कौन से सिस्टम का है बेटा? ओल्ड। ओल्ड सिस्टम है, वेरी गुड। अच्छा ओल्ड सिस्टम कौन सा है, एमकेएस के सीजीएस? एमकेएस। अच्छा एम कौन सी यूनिट में मेजर किया जाएगा? किलोग्राम। केजी। वेरी गुड। और नीचे m2 है वो न्यू सिस्टम है, न्यू सिस्टम सीजीएस है, तो उसका मतलब m कौन से यूनिट से मेजर किया जाएगा? ग्राम। वेरी गुड। चलो ठीक है पावर 1। l1 ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम एमकेएस सिस्टम, तो उसको मीटर से मेजर किया जाएगा। l2 न्यू सिस्टम है जिसको सेंटीमीटर से मेजर किया जाएगा पावर 1। t1 ओल्ड सिस्टम है सेकेंड, t2 न्यू सिस्टम है सेकेंड पावर -2। चलो ठीक है 1। अच्छा किलोग्राम और ग्राम जमता नहीं है, तो 10^3 g/1 g पावर 1। मीटर यानी जमता नहीं है, नीचे सेंटीमीटर ऊपर मीटर जमता नहीं है, तो 10^2 cm/1 cm पावर 1। सेकेंड है ठीक है, तो सेकेंड सेकेंड कैंसल हो जाएगा, मतलब कि 10^0 / -2, क्योंकि सेकेंड कैंसल हो गया तो इसका मतलब वहां पर वैल्यू 1 रहेगा। अच्छा किसी भी चीज का पावर 0 होगा तो आपको वैल्यू 1 देगा, चाहे
चाहे आप 10:0 करो, चाहे आप 2:0 करो, चाहे आप 3:0 करो, किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 करो तो वैल्यू 1 होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके सर। चलो ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर कैंसल। भाई फ्रेंड्स स्क्रीन के अंदर ओके बंद कर दिया थे। 10^3 power 1, 10^2 power 1, 10^0 minus 2। चलो तो ये हो जाएगा बच्चों 10^3 into 1। पावर का पावर है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 10^3 2 into 1 यानी 10^2, 10^0। ओके तो बेस सेम होने की वजह से एडिशन होगा पावर में, तो 3+2+0 यानी आपका आंसर होगा 10^5। तो यहाँ पर 1 newton = 10^5 लाइन आ गया। बोलो समझ में आया बेटा सबको? यस सर। क्या नहीं समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। चलो यस सर एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। यस रुक जाओ, ये एमसीक्यू है। हाँ एक एमसीक्यू से समझते हैं बेटा, ठीक है? ओके क्वेश्चन कुछ इस तरह से अपने को दिया गया है। सौ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक, और यहां पर दिया है एक्स न्यूटन सेकेंड। ओके एक्स का वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है आपको, 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू एक्स न्यूटन सेकेंड, ठीक है? देन फाइंड एक्स। हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। अच्छा पहले तो देखो हमें कौन सी क्वांटिटी दी गई है ये समझना पड़ेगा। तो अभी मैं ट्राई करूं, देखो अभी मैं ट्राई करूं तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड से मुझे कुछ कुछ आइडिया आना चाहिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड से कुछ कुछ आइडिया आना चाहिए कि क्वांटिटी कौन सी है। अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला बनाता हूं मैं उसका, ठीक है? तो देखो क्वांटिटी पता नहीं है पर डायमेंशनल फॉर्मूला बन सकता है। ग्राम है, ठीक है? तो ग्राम है तो इसका पावर मतलब एम का पावर 1, सेंटीमीटर है तो एल पावर 1, अपॉन सेकेंड है तो टी का पावर -1। तो आपकी जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, उसका पावर हो जाएगा एम 1 एल 1 टी -1। ये तो आपका मोमेंटम पी हो गया। बोलो बात आई समझ में भाई सबको? यस सर। मैंने कहा मैंने ये क्वांटिटी कहाँ से लिखी समझ में आई? ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाया समझ में आया भाई सबको? मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया ये जो आपको गिवन है, ठीक है, ये जो आपको गिवन है उसके ऊपर से, ये जो यूनिट है उसके ऊपर से बनाया। ग्राम है तो ग्राम मतलब मास, तो मास का पावर 1। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का मतलब लेंथ, तो लेंथ का पावर 1। फिर सेकेंड है तो सेकेंड मतलब टाइम, तो टाइम का पावर 1। पर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 होगा। तो m1 l1 t-1 ये आपका मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है? तो इसका मतलब ओल्ड सिस्टम CGS है और न्यूटन सेकेंड यानी कि MKS, न्यू सिस्टम हो जाएगा MKS। ओके ओल्ड सिस्टम लिख देने का CGS न्यू सिस्टम। MKS चलो ठीक है। तो अभी मैं N1 कितना दिया है बच्चों मुझे बताओ तो प्लीज, N1 कितना दिया है मुझे? देखो वन में कब लिखता था, यहां पर देखो वन में कब लिखता था,
जब हंड्रेड हंड्रेड हाँ तो यहाँ पर क्या होगा, एडमन की वैल्यू क्या होगा बेटा, 100 होगा और एन टू की वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा 100। अरे एन टू की वैल्यू कहाँ से 100 होगा, ये आपका एन वन और ये जो फाइंड करना है वो आपका एन टू, बोलो हाँ या ना। यस सर, मैं ऑलवेज लेफ्ट साइड पर जो गिवन है वो लिखता हूँ और राइट साइड पर जो मुझे फाइंड करना है वो लिखता हूँ। तो राइट साइड पर मुझे एक्स दिया है इसका मतलब वो एन टू है, और लेफ्ट साइड पर मुझे 100 दिया है उसका मतलब वो एन वन है, बोलो हाँ या ना। फिर मैं लिखूंगा एन वन एम वन एल वन टी वन इक्वल टू एन टू एम टू एल टू टी टू। चलो मुझे एन टू को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि फाइंड करना है, तो एन वन एम वन बाई एम टू पावर वन, एल वन बाई एल टू पावर वन, टी वन बाई टी टू पावर माइनस वन, ये पता चला मुझे यहाँ से। ठीक है चलो, एम वन कौन से मतलब मेजर किया जाएगा बेटा, कौन से यूनिट में मेजर किया जाएगा बताओ। चलो सब लोग M1 मतलब ओल्ड सिस्टम, ओल्ड सिस्टम कौन सा है बेटा, ग्राम। वेरी गुड, ठीक है तो ऊपर है ग्राम और नीचे है न्यू सिस्टम कौन सा है, एमजीएस। हाँ तो उसमें मास को किलोग्राम से, वेरी गुड पावर वन। चलो ठीक है, फिर एल लेंथ, ओल्ड सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, न्यू सिस्टम में लेंथ मीटर मीटर मीटर, वेरी गुड। अच्छा ओल्ड सिस्टम में टाइम सेकंड सेकंड और न्यू सिस्टम में टाइम सेकंड सेकंड पावर माइनस वन। चलो ठीक है तो ये बेटा हो जाएगा 100। अच्छा अभी ये ग्राम नीचे किलोग्राम जम नहीं रहा है तो इसका मतलब 10^3 ग्राम, ऊपर सेंटीमीटर नीचे मीटर जम नहीं रहा है तो इसका मतलब नीचे 10^2 सेंटीमीटर। ओके सेकंड सेकंड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो इसका मतलब 10^0 माइनस वन। ठीक है ग्राम कैंसिल बचा सेंटीमीटर कैंसिल, चलो ये 100। ओके 10^3 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आएंगे तो पावर माइनस थ्री होगा, बोलो हाँ या ना। ये देखो डिनोमिनेटर में है, 1/10^3 है, अगर वो न्यूमरेटर में आएंगे तो ये 10^-3 होगा, यस और नो। यस सर। उसी तरह से मैं दूसरी बात करूं जो नेबर है उसमें क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, तो 10^-2 होगा क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर में है, ऊपर न्यूमरेटर में जाएंगे तो 10^-2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। चलो तो देखो बेटा ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10^-3, ये हो जाएगा 10^-2, ये हो जाएगा 10^0। अच्छा बेस सेम तो पावर का एडिशन, 100 को बोला जाता है बेटा 10^2, प्लीज ये ध्यान में रखना है, 100 मतलब 10^2, 10^-3 माइनस 2 प्लस 0, तो ये 10^+2 10^-5 ऐसा आ गया बेटा, क्योंकि माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 तो 2 माइनस 5 यानी आपका आंसर होगा 10^-, 10^-. N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 10^-3, बोलो सबको आई बात समझ में, एवरीबॉडी यस सर क्लियर यस सर पक्का यस सर पक्का यस सर यस सर पक्का कि अभी भी कोई डाउट है बेटा, समझ आ गए। चलो ठीक है तो अभी मैं आगे कुछ नहीं करवा रहा हूँ, मैंने जो करवाया उसको एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है तो सबसे पहले मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो जब भी किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है हम फंडामेंटल क्वांटिटी के
पावर के तौर पर रिप्रेजेंट करे तो उसको बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला से, यस और नो? फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है बेटा हमारे पास? सेवन. वेरी गुड. ठीक है, एक मिनट, कौन कौन सी बताओ तो. चलो मुझे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. वेरी गुड. अच्छा, मैं जो पूछू उसका आंसर देगा और जो प्रेजेंट है उनमें एक एक आंसर देंगे. ठीक है, चलो मैं वापिस वही पर वो पीडीएफ पर ही चला जाता हूँ. ठीक है, ताकि आप देख के भी बता सको. चलो, मैं जो भी प्रेजेंट है वो एक ही आंसर करेगा, दूसरी बार दूसरा आंसर करेगा. ठीक है, चलो. लेंथ है, उसका यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट पूछ रहा हूँ, सिंबल नहीं पूछ रहा हूँ. लेंथ है उसका मीटर, और उसका सिंबल एम. ओके, मास है, उसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम. किलोग्राम, और उसका सिंबल क्या होगा? केजी. ओके, टाइम है, उसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड. सेकेंड, और उसका सिंबल क्या होगा बेटा? एस. वेरी गुड. इलेक्ट्रिक करंट है, उसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर. एम्पियर, और उसको सिंबल क्या होगा बेटा? कैपिटल ए. कैपिटल ए. टेम्परेचर है, उसका यूनिट क्या होगा? केल्विन. केल्विन, ठीक है, और उसका सिंबल क्या होता है? के. ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? जो लोग बोल चुके हैं अभी वो नहीं बताएंगे, उनके सिवा जो है वो बताएंगे. चलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? गायकवाड़ खुशी, आज नए प्रेजेंट हुए बेटा, आपको स्क्रीन के पर देख के ही बोलना है. खुशी गायकवाड़. मोल. मोल. मोल, और उसका सिंबल क्या होता है बेटा? मोल. एमओएल. एमओएल, वेरी गुड. अच्छा, अभी नंदिनी की बारी है. नंदिनी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? हाँ बोलो बेटा. सर, यूनिट उसका कैंडला होता है और सिंबल सीडी होता है. वेरी गुड बेटा. यूएल, सॉरी. वेरी गुड, वेरी गुड. सीडी है, नहीं यूएल नहीं है, सीडी ही है. बराबर है आपकी बात. बराबर. नाउ अभी एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये सारी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी. अच्छा, ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर अगर मैं मास की बात करूं तो मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को कैपिटल के से, और करंट को कैपिटल ए से अगर रिप्रेजेंट करता हूं, तो अगर किसी भी क्वांटिटी को इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको बोला जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, जो बाकी दो होती है नंबर 6 और नंबर 7, इनका यूज नहीं होता है इसलिए हम उसकी बात नहीं किए हुए हैं. अच्छा चलो, कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया. सपोज पहला एग्जांपल लिया स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है. अच्छा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा वी इज इक्वल टू डी बाय टी. डी, डी मतलब मीटर में मेजर होता है, टी टाइम हुए तो सेकेंड में मेजर होता है, तो वी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड. नाउ मीटर है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, समझो बेटा, यहाँ पर मैं बात करता हूँ मीटर है तो लेंथ, और लेंथ को कैपिटल एल के पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है. समझ रहे हो आप मैंने क्या बोला बेटा? लेंथ को कैपिटल एल के पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि सिर्फ मीटर है, इसका मतलब पावर सिर्फ वन है तो एल वन होगा. नीचे सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, तो उसको कैपिटल टी के पावर से रिप्रेजेंट किया जाएगा. सेकेंड स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सेकेंड है मतलब पावर वन, तो ये हो गया एल वन टी माइनस वन, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस वन पावर. बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी, प्लीज से यस और नो. यस सर. बोलो बच्चा, समझ आया सबको? यस सर. यस सर. फिर एक्सेलरेशन समझाया मैंने. एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी बाय टाइम.
स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला था मीटर पर सेकेंड और नीचे टाइम है उसका सेकेंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ तो मीटर एल वन और सेकेंड टी टू, ऊपर जाएगा तो माइनस टू, तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा एल वन टी माइनस टू। अच्छा अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए होता है बच्चों। अच्छा तो उसमें जो एम है वो मास है, उसका पावर वन तो एम वन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एल वन टी माइनस टू, तो फोर्स का है हो गया एम वन एल वन टी माइनस टू, बोलो क्लियर। उसके बाद हमने वर्क के लिए बारे में बात किया, तो वर्क का डायमेंशन आपको समझा दिया, बोलो पूरा समझ आ गया, ठीक है। सबको इसका वीडियो, हाँ सबको इसका वीडियो मिल जाएगा बेटा। ये जो टॉपिक आज मैंने करवाया है प्लीज उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर आज एक बार प्रैक्टिस करने से समझ आ गया तो पूरी लाइफ आपको दिक्कत नहीं देगा, वरना पूरी लाइफ आपको दिक्कत देगा। सो प्लीज ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि आज का जो मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो सब लोग अच्छे से एक बार देख के प्रॉपर समझ के लिख लीजिए, क्लियर। जो भी आपके डाउट्स रह गए उसको वीडियो के थ्रू सॉल्व कीजिए, या फिर नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं प्रेजेंट हूँ मुझसे पूछ लीजिए। और मैंने आपके साथ वर्कशीट शेयर किया था होमवर्क करने के लिए, सबने वर्कशीट सॉल्व किया? पहले तो ये बताओ सबको वर्कशीट मिला था? यस यस ओके। आपने देखा? हाँ देखा, वो 15 तक आपने सॉल्व करके दिए थे। सॉल्व करने का ट्राई किया? नहीं सर, 15 तक आपने एक पीडीएफ में एमसीक्यू दिए थे सॉल्व करके। वो नहीं नहीं वो नहीं, उसके सिवा भी मैंने दिए थे, कोई बुक की पीडीएफ थी आपको पता हो तो वो देख ले रहे थे। राज देख लेना, उसको सॉल्व कर देना बेटा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है एरर वाला वो क्लियर हो जाए। एरर क्लियर होगा, ठीक है, उसके ऊपर अच्छे से फोकस किया होगा तो अभी वो एरर वाला टॉपिक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परेशान नहीं करेगा। अगर अच्छे से ये देखो वर्कशीट और वो सब जो शेयर कर रहे हैं ना, वो आपका लेवल क्लियर हो जाए इसके लिए कर रहे हैं। तो जितना शिद्दत से आप एमसीक्यू ये सॉल्व करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा बेटा। सब लोग सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। प्लीज लेजी होके इसको मतलब स्किप मत करो, ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। ये हो गया आज मैंने करवाया, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। इसकी और दो एप्लीकेशंस बाकी है जिसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। इसको पहले अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत सही से समझ में आएगा एवरीबॉडी, ठीक है। ओके चले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।